जिंदाबाद 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 मुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद 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 हमारा साथी रमेश डांगरा जिंदाबाद 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 कहां से टिकली दाम खाई तुझे अपना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और आंदोलनकारी किसानों के समर्थन का सिलसिला भी जारी है। चाहे बड़ी बड़ी हस्तियां हों या फिर कोई भी राजनेता हो, सब किसानों को समर्थन कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं टोहाना के पूर्व विधायक चौधरी कर्म सिंह डांगरा के पोते रमेश डांगरा की, जिन्होंने किसानों को समर्थन करते हुए साइकिल यात्रा शुरू कर दी। बता दें कि पूर्व विधायक चौधरी कर्म सिंह डांगरा के 101वें जन्मदिवस पर उनके पोते रमेश डांगरा ने टोहाना के पक्के किसान मोर्चा के धरना स्थल से टीकरी बॉर्डर तक साइकिल यात्रा शुरू की और किसानों के बीच पहुंचकर किसान आंदोलन को और मजबूती देंगे। इस साइकिल यात्रा के दौरान रमेश अपने साथ अपने गांव से अपने खेत की मिट्टी और पानी भी लेकर गए हैं। रमेश डांगरा का कहना है कि आज के समय में किसान उनके देवता हैं, जो उनकी मांग को लेकर दिल्ली में धरने पर बैठे हैं। उन्हें किसानों को सम्मान देते हुए उन्होंने अपने दादाजी की 101वें जन्मदिवस पर टोहाना से टीकरी बॉर्डर तक साइकिल यात्रा करते हुए जाने का फैसला किया। उनके दादाजी भी किसान आंदोलन के समर्थक हैं और उन्होंने भी किसानों के हक के लिए कई बार यात्रा निकाली थी। ये आज मेरे दादाजी जो पूर्व विधायक टोहाना से करम सिंह जी डांगरा, उनका 101वां जन्मदिन है। हम परमपिता परमात्मा से ये दुआ करते हैं कि दादाजी इसी तरीके से स्वस्थ रहे और हमारे जो 10 महीने से जो किसान आंदोलन लगातार जो चल रहा है उसकी हम रखवाली के लिए, उसके जो हमारे देवता वहाँ पर बैठे हैं उन देवताओं को आज हम पूजने के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। जो हमारे देवता है आज वो वही देवता है जो टिकरी बॉर्डर पर जो इस किसान आंदोलन को मजबूती से, मजदूर आंदोलन को मजबूती से उठाए हुए हैं। आज हम उनके लिए टोहाना से संयुक्त मोर्चे से सभी तमाम साथी हमारे इस यात्रा को सहयोग दे रहे हैं हमें और हम टिकरी धाम जो किसानों का धाम वहाँ पर बना हुआ है वहाँ हम जा रहे हैं। तो दादाजी कहाँ हैं आज? दादाजी आज हाँसी में है हमारे और वो थोड़े बुजुर्ग अब ज़्यादा है, चल फिर नहीं सकते। वैसे भी स्वस्थ है, उसका 101वां जन्मदिन आज हम साइकिल यात्रा जो किसानों के उसमें हम मना रहे हैं, क्योंकि दादाजी ने हमेशा गरीब किसान और मजदूर की आवाज़ को उठाया था और उन्होंने पैदल यात्राएं भी की थी देवीलाल के समय में, उसी को लेकर के आज हम साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। किसानों को समर्थन दे रहे हैं इस दिन? जी बिल्कुल, किसानों के साथ हैं हम सदा से, दादाजी उनकी आवाज़ बिल्कुल उठाते रहे हैं। और जो बीजेपी और जेजेपी जो देश को गुमराह कर रही है, जो ये कह रहे थे कॉल की दूरी से आज 10 महीने हो गए, उन्हें एक बार ना उनका कोई कॉल आया और ये किसान आंदोलन लगातार मजबूती देने का इस यात्रा से हम काम करते रहे। तो जो पूर्व विधायक हैं इनका भी समर्थन है किसान जी? बिल्कुल, शुरू से इनका समर्थन है। और दादाजी तो बीजेपी के बारे में कह रहे हमें बताते हैं कि बीजेपी तो एक बात को 100 बार झूठे बोलेगी ताकि जनता को इस बात की सच्चाई नजर आने लगे। रमेश डांगरा ने बताया कि उनके दादाजी यानी कि पूर्व विधायक कर्म सिंह स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के समर्थक रहे हैं और उनकी सरकार में विधायक रह चुके हैं। टोहाना में किसानों ने उनके दादा के जन्मदिवस पर लड्डू बांटकर खुशी मनाई। रमेश ने ये भी बताया कि उनकी साइकिल यात्रा को समर्थन देते हुए टोहाना के पक्का किसान मोर्चा पर किसानों ने उनके समर्थन में नारेबाजी की और कहा कि आज के समय में किसान अपने परिवार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण दिनों को टिकरी बॉर्डर पर जाकर मनाना उचित समझते हैं क्योंकि ये किसानों का धाम है। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।